हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे आई विल एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर एट बॉडी मूवमेंट्स ये चैप्टर्स ऑल बॉडी मूवमेंट्स से रिलेटेड हमारे बॉडीज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉन्स होते हैं कौन से जॉइंट्स होते हैं मसल्स होती है स्केल्टन होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे चैप्टर्स के पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड लेट अस सी एंड

चेंज होते रहते हैं ठीक है हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो इंटरनल्स होते हैं और एक्सटर्नल्स होते हैं ठीक है इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गेन्स के बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे और कुछ एक्सटर्नल्स ऑर्गेन्स होते हैं जो आप सब जानते हैं जैसे आइज है नोज़ है है ना तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गेंस हैं तो ये सारे ऑर्गेन्स जब मूवमेंट्स करते हैं ठीक है जब घूमते रहते हैं जैसे आइज घूमती है हम हैंड्स को मूव करते हैं हम लेग्स के थ्रू वॉकिंग करते हैं ठीक है फिर हम अपने आर्म्स के थ्रू हैंड्स को टर्न करते हैं ठीक है तो ये सारा क्या हुआ हमारा बॉडी मूवमेंट्स हुआ ठीक है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजिशंस बाय यूजिंग दियर बॉडी पार्ट्स इज कोल्ड द बॉडी मूवमेंट्स ओके द ब्लिंकिंग ऑफ द आइस जब हमारी आइस ब्लिंकिंग होती है मीन्स बर्न चालू होती है ऊपर नीचे बर्न हम ओपन करते हैं फिर बंद करते हैं ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं तो ये आइस क्या होती है ब्लिंकिंगस होती रहती है फिर इधर उधर टर्नस होती रहती है तो ये क्या हुआ हमारे बॉडीज के जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट्स कर रहे हैं ठीक है घूम रहे ब्रेथिंग्स फिर हम ब्रेथ करते हैं वॉकिंग करते हैं हम ईटिंग करते हैं ठीक है थीके? तो ईटिंग करते टाइम हमारा माउथ क्या होता है मूवमेंट्स करता है हमारा अपर लो low और लोअर लो low。हमारे माउथ के अंदर अपर लो होता है और लोअर लोअर लो होता है ठीक है जो अपर लो होता है वो हमारे हेड से ज्वाइंट होता है और जो लोअर लो low होता है उस ट्रेन उसको हम मूवमेंट्स करते रहते हैं ठीक है तो ये क्या हुआ बॉडी मूवमेंट बॉडी इज द मूवमेंट्स ऑफ द एंटायर बॉडी हमारी जो बॉडीज होती है हमारे बॉडीज के अंदर Uh, हमारी जो बॉडीज मूवमेंट्स uh, करती है वो कैसे मूवमेंट्स करती है वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट्स करती है द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स ये जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती है स्टूडेंट्स उसके अंदर टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स होते हैं बॉडी इज मूवमेंट्स ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स हमारी बॉडीज के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडीज के अंदर टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स होते हैं और जो ये बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते प्रोटेक्ट करते स्टूडेंट्स ठीक है फॉर एक्जाम्पल सी द फिगर नंबर एट पॉइंट वन इन योर टेक्स बुक यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटीज दी है स्टूडेंट्स ठीक है तो यहाँ पे एक्टिविटीज में आपको एक बॉयस दिख रहा है ठीक है उसका जो शोल्डर है स्टूडेंट्स हैंड्स है हैंड्स का जो आर्म्स uh, है ठीक है ये शोल्डर है इसका और ये क्या है इसका हैंड्स है शोल्डर है और ये क्या है स्टूडेंट्स आर्म्स है और ये क्या है नीचे का पार्ट्स क्या है वो एल्बो है ठीक है हम एल्बो के थ्रू ही हमारे हैंड्स को अप एंड डाउन करते रहते हैं ठीक है लेकिन जब हम इस हैंड्स को टाइटली uh, किसी के थ्रू हम बांध देंगे उसे टाइटली क्लोज uh, कर देंगे बांध देंगे इस तरीके से तो क्या वो मूवमेंट्स करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि उसे एक चीज से दूसरी चीज़ से ज्वाइन कर दिया है स्टूडेंट्स इसलिए वो मूवमेंट्स नहीं करेगा वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा मोमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर जैसे लाइट डाउन करना हमारे लेग्स को रोटेट करना हिप करना बैंड करना हमारे आर्म्स को ठीक है हमारे आर्म्स जो है वो एल्बो से कनेक्टेड होते हैं, फिर उसे हम बैंड कर सकते हैं फिर लेग होते हैं वो हमारे नी से कनेक्टेड होते हैं ठीक है फिर स्ट्रेच योर आर्म्स साइड वाइज ये सब क्या है हमारे बॉडीज़ पार्ट्स में इस तरीके से हम मोमेंट्स करते रहते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स ये जॉइंट्स क्या है जॉइंट्स आर प्लेस वी आर बॉन्स मिर्स जॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बॉन्स मिलते हैं ठीक है थीके? तो जॉइंट्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बॉन्स मिलते हैं एक दूसरे से वी आर एबल टू बैंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेस जब हम स्टूडेंट्स हमारे बॉडीज हमारी जो बॉडी रोटेट करती है ठीक है यानी घूमती है और जब हमारे बॉडीज़ का कोई पार्ट बैंड होता है ठीक है बैंड हो जाता है किसी प्लेस पर वी आर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टूगेदर जब बॉडीज़ के टू पार्ट्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं एक साथ ठीक है जैसे लाइक एल्बो एल्बो जो है हमारा हैंड्स हैंड्स है स्टूडेंट्स ठीक है हैंड्स के नीचे हमारे एल्बो होते हैं वो एल्बो से कनेक्टेड होता है जैसे नेक है ठीक है शोल्डर है दिस प्लेस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स ठीक है नेक किससे कनेक्टेड है किससे ज्वाइंटेड है हमारे हेड से शोल्डर किससे ज्वाइंटेड है हमारे आर्म से दिस प्लेस आर कोल्ड ज्वाइंट्स यानी ये एल्बो नेक और शोल्डर एक दूसरे किसी ना किसी से ज्वाइंट है ठीक है किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं ठीक है हमारे बॉडी पार्ट से ज्वाइंट है ठीक है तो ये क्या हुआ ज्वाइंट्स जब हम किसी चीज को बैंड करते हैं और रोटेट करते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स को जब हम बैंड करते हैं यानी बिल्कुल घुमा जैसे ये हमारा हैंड स्टूडेंट्स अब इसको हम बैंड कर रहे हैं ठीक है तो ये बैंड हुआ ठीक है अब इसको रोटेट कर रहे मीन घुमा रहे हैं तो ये क्या हुआ रोटेट हुआ तो किसी भी प्लेस पर हम बैंड करते हैं हमारे बॉडीज़ को और रोटेट करते हैं ठीक है टू पार्ट्स को और वो बॉडीज एक दूसरे से जॉइंट होती है उसे हम कहते हैं जॉइंट दिस प्लेस आर कोल्ड जॉइंट्स ठीक है ट सी द टाइप्स ऑफ जॉइंट हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जॉइंट्स यर आर फोर पार्ट ऑफ जॉइंट्स फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स सेकेंड इज हिंग ज्वाइंट्स थर्ड इज प्योरटल जॉइंट एंड फोर्थ इज फिक्स ज्वाइंट लेटस सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बॉल और सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स चलो हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलोस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस यानी जो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो अलो करते हैं मूवमेंट्स करने के लिए सारी डायरेक्शंस में ठीक है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट करते रहते हैं इट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन विच बॉल शेप्स ये एक ऐसा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है जो बॉल शेप्स की तरह होता है ठीक है इसका सरफेस होता है वो वन बोन से फिटेड होता है यानी इसके नीचे का पार्ट जो होता है वो एक बोन से फिटेड होता है इन टू द हॉलो स्पेस इसके अंदर एक स्पेस होता है ठीक है यानी एक गैप होता है ऑफ अनदर बॉन्स और दूसरे बोन से दूसरे बोन से वो फिट कर दिया जाता है ठीक है जो बॉल होता है स्टूडेंट्स वह बॉल की तरह दिखता है आपको इस बॉल और सॉकेट जॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ठीक है मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ सी इन योर टेक्स्ट बुक एक्टिविटी नंबर टू फिगर नंबर एट पॉइंट टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पेज नंबर सिक्सटी एट ओपन करो वहां पे आपको ये फिगर दिखेगी मेकिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहा है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट्स का फिगर है जिसमें एक नीचे ये जो है वो पेपर सिलेंडर लिया है ठीक है इस पेपर सिलेंडर को हमने ये बीच वाला जो पार्ट्स है वो बॉल है ठीक है इस बॉल्स को हमने जॉइन कर दिया है पेपर सिलेंडर से फिक्स कर दिया है ठीक है उसके शेप्स से अब ये बॉल्स के जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाउल है स्टूडेंट्स ठीक है अब ये बॉल्स ये बॉल्स को यानी बॉल्स के ऊपर इस तरीके से गैप होता है उस गैप के ऊपर इस बॉल को कनेक्ट कर देते हैं ठीक है बॉल को कनेक्ट कर देते हैं फिर क्या होता है ये पेपर सिलेंडर और ये बॉल सी द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी आप क्या देखते हैं इस इमेज में जो राउंडेड एंड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन्स ठीक है तो ये अदर बॉन्स से ये जिसके अंदर एक बॉन्स के अंदर एक कैविटी होती है जो ये पेपर सिलेंडर है इस बॉन्स के अंदर एक कैविटी होती है जिससे बॉल्स को फिक्स कर दिया जाता है राउंड शेप में सच जॉइंट्स अलो मूवमेंट इट ऑल डायरेक्शन ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूमेंट वी ट्राई एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शंस ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बॉल है उसे फिक्स कर दिया हमने पेपर सिलेंडर पर अब बॉल के ऊपर थोड़ा सा गैप होता है जिसके ऊपर ये बॉल्स को राउंड शेप्स में कनेक्ट कर दिया जाता है ज्वाइंट कर दिया जाता है ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे इमेजन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म ये पेपर सिलेंडर क्या है एक आपका एक आर्म है ठीक है यानी आपके हैंड्स के अंदर जो आर्म होती है ना भुजा वो आर्म है और बॉल क्या है ये बॉल क्या है एक एंड पॉइंट है जिसे हमने पेपर सिलेंडर से फिक्स कर दिया द बॉल बाउल द बाउल इज लाइक अ पार्ट ऑफ शोल्डर अब जो ये बाउल्स है वो आपका शोल्डर पार्ट है ठीक है ये शोल्डर पार्ट है हमारा जैसे हमारे हैंड्स के अंदर शोल्डर होता है ये पेपर सिलेंडर क्या हुआ स्टूडेंट्स पेपर सिलेंडर हुआ आपका आर्म्स और और ये बॉल हुआ end points, और ball हुआ एंड पॉइंट्स बाउल बाउल शोल्डर इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर टू रीच योर आर्म इज अब जो ये बाउल्स है उसका पार्ट हमने शोल्डर से हमारी आर्म से ज्वाइंट कर दिया तो ये द राउंडेड एंड ऑफ बॉन्स अब जो ये राउंड करेगा स्टूडेंट्स घूमेगा तो एक वन बॉन से फिट्स कर दिया जाएगा जब ये बॉल घूमेगी तो ये वन पॉइंट से एक फिट कर दी जाएगी जिसके अंदर कैविटी होती है कैविटी मीन्स एक हॉलो स्पेस होता है गैप होता है जिसके थ्रू इस ये फिक्स कर दिया जाता है इस बॉल को उसके शोल्डर से फिक्स कर दिया जाता है ठीक है तो ये था हमारा बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स ठीक है ये थी हमारी बॉल और ये था हमारा दोनों का दोनों ये जो पार्ट थे वो थे सॉकेट ज्वाइंट्स इस तरीके से इसमें भी आप देख सकते हो ये बॉल्स है एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है ठीक है ये बीच का जो पार्ट्स पार्ट होता है ये बॉल्स है ठीक है और ये सॉकेट जॉइंट्स है हमारा जो लेग्स होता है लेग्स के ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो थाई बोन्स होता है ठीक है अब यहाँ पे आप देखेगो ये हिप बोन्स है ठीक है लेग्स के अंदर एक तो हिप बॉन्स होते हैं थाई बॉन्स होता है ठीक है थीके? तो ये बीच का जो पार्ट्स होता है नी के ऊपर का उसे बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं स्टूडेंट सेकेंड इज प्योरटल प्योरटल ज्वाइंट्स में क्या होता है प्योरटल जॉइंट्स में स्टूडेंट्स सी द द्योरटल जॉइंट फिगर नंबर एट पॉइंट फोर में आप देखोगे प्योरटल ज्वाइंट्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स द द्वार अवर नेक ज्वाइंट हेड इज प्योरटल्स यानी जो हमारा जॉइंट्स होता है जो नेक होती है ना स्टूडेंट्स हमारी जो गर्दन होती है वो हमारे हेड से जुड़ी हुई होती है ठीक है ये हमारी नेक है ये नेक हमारी हेड से जुड़ी हुई होती है ठीक है ये यहाँ पे बीच में जॉइंट्स होता है तो नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसे हम प्योर्टल ज्वाइंट्स कहते हैं जो जॉइंट्स नेक और हेड से जुड़े हुए होते हैं ठीक है उस हमें प्योर्टल ज्वाइंट्स कहते हैं ये अलाउ करते हैं अलाउ अस टू बैंड अवर हैड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स तो ये प्योरटल जॉइंट्स क्या करेंगे अलाउ करेंगे कि हमारा हैड फॉरवर्ड करें और बैकवर्ड करे टर्न करें राइट और लेफ्ट में ठीक है तो प्योर्टल जॉइंट्स क्या बताएँगे जैसे हमारे हेड को हम आगे पीछे घुमाते हैं फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करते बैकवर्ड करते फिर हम हमारे हेड को घुमाते हैं ठीक है तो ये हेड नेक से कनेक्टेड होता है और ये हेड को हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं मूवमेंट करते हैं ठीक है ये क्या करता है हमें रोटेशंस अलाउ करता है जॉइंट्स क्या करता है रोटेशंस अलाउड करता है। इन प्योरटल जॉइंट्स इज अ अलेंड्रिकल बॉन्स इन अ रिंग्स तो ये एक रिंग की तरह होता है यहाँ बीच में एक रिंग होती है प्योरटल जॉइंट्स में नेक और हेड्स के बीच में जो आगे पीछे घूमती है और लेफ्ट और राइट्स में घूमती रहती है हेड हमारा लेफ्ट और राइट में टर्न करता है ना जैसे स्टूडेंट्स उसी तरह प्योर्टल जॉइंट्स होता है ठीक है हमारे हेड में और नेक्स नेक्स से जॉइंट्स होता है तो वो जिसके थ्रू हमारा हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता है राइट एंड लेफ्ट करता है ये रोटेशंस को अलाउ करता है और ये बॉन्स होते हैं इसमें सिलेंड्रिकल्स बॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक रोटेट रिंग एक रिंग की तरह होते हैं इसके अंदर एक रिंग होती है जो सिलेंडिकल बोन्स को रोटेट करती है घुमाती रहती है ठीक है नाउ नाव थर्ड इज हिंग ज्वाइंट्स तो ये हिंग ज्वाइंट्स है स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज द डोर ऑफ फ्यू मिनट्स ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली जो हिंग्स जॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स वो डोर से कनेक्टेड होता है जैसे कि हम अपने हाउस का डोर हमारे घर का दरवाजा हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं ठीक है ओपन करने पर वो एक तरफ ओपन uh, होता है और दूसरी तरफ क्लोज होता है ठीक है तो आप अपने घर का दरवाजा क्लोज करोगे बंद करोगे तो आप उसमें कौन सा जॉइंट्स देखोगे बीच में जो जॉइंट्स जो होता है वो हिंग जॉइंट्स होता है सी द फिगर नंबर एट पॉइंट फाइव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय हिंग लाइक जॉइंट्स तो ये क्या बताता है ये हिंग जॉइंट्स होता है ठीक है तो ये हमारा हिंग जॉइंट्स है और यहाँ पे हमारे डोर आ, डोर का सॉकेट जॉइंट्स है ठीक है कनेक्टेड किया गया है तो एक तरफ ओपन होगा एक तरफ खुलेगा ठीक है बाहर की तरफ खुलता है स्टूडेंट्स आप देखते हो और अंदर की तरफ बंद होता है ठीक है ना ओपन और क्लोज होता है तो ये होता है हमारा हिंग जॉइंट जो अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ठीक है यानी बैक और फोर्थ मूवमेंट्स अलाउ करता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है जो हिंग्स जॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट्स करता है एक ही डायरेक्शन में घूमता है द पार्ट्स ऑफ हिंग जॉइंट्स लाइक एल्बो एंड नी जैसे हमारे हैंड्स के अंदर हमारा जो हैंड्स होता है स्टूडेंट्स हाथ होता है उसके अंदर जो एल्बो होती है नीचे ठीक है तो वो एल्बो होती है तो वो क्या करती है एक ही डायरेक्शन में घूमती है उसी तरह हमारे लेग्स के अंदर नी होता है घुटना होता है है ना तो वो घुटना भी क्या करता है एक ही डायरेक्शंस में मूव करता है तो ये जो हिंग ज्वाइंट्स होता है सेम हमारे हमारे बॉडी पार्ट्स के एल्बो और नी से रिलेटेड होता है जो मूवमेंट करता है ओनली वन डायरेक्शन्स में ओके तो ये हुआ हमारा हिंग ज्वाइंट्स फोर्थ पॉइंट इज अवर फिक्स जॉइंट द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट्स जिस बॉन्स को हम मूव नहीं कर सकते घुमा नहीं सकते उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फिक्स जॉइंट्स फिक्स जॉइंट्स एक फिक्स पोजिशंस पर ही होता है जिसे हम मूवमेंट्स नहीं कर सकते वेन यू ओपन योर माउथ वाइड जब आप अपने माउथ को ओपन करते हो चौड़ा करते हो खोलते हो यू कैन मूव योर लोअर जो अवे फ्रॉम योर हैड आप अपने लोअर जो को ठीक है जब आप मुंह बड़ा करते हो ओपन करते हो तो आप देखोगे जो लोअर जो है नीचे का जो पार्ट्स है स्टूडेंट्स लोअर जो क्या करेगा आपकी हेड से हेड से कनेक्टेड नहीं होगा इसलिए वो मूव करेगा लेकिन जो आपका अपर जो होगा वो ट्राई करोगे आप अपर जो होगा यानी ऊपर का जो मुंह है ठीक है आपके जो तीत होते हैं तीत के दो तीत एक ऊपर होते हैं जो नीचे होता है ठीक है जो आपके जबड़े होते हैं ना स्टूडेंट्स एक तो अपर होते हैं और एक लोअर में होते हैं ठीक है तो लोअर जो वाला पार्ट्स है आप वो घूमता रहता है लेकिन अपर वाला जो जो, जो आ, अपर वाला जो है वो नहीं मूवमेंट्स करता है क्यों नहीं मूवमेंट्स करता है क्योंकि वो फिक्स होता है स्टूडेंट दिस दियर इज द जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट्स जैसे स्टूडेंट्स ये आपका एक जॉइंट है ठीक है ये यहाँ पे ये जॉइंट्स है ये बॉन्स है और यहाँ पे ये बॉइंट्स है अब यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है ठीक है तो फिक्स कर दिया गया ये अपर जो है अपर जो है, अपर जो है और ये लोअर जो है तो लोअर जो क्या होगा टर्न करता रहेगा लेकिन अपर जो होगा वह टर्न नहीं करेगा क्योंकि वो फिक्स है स्टूडेंट्स ठीक है तो हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं देखो देयर आर सम बॉन्स इन अवर हेड हमारे हेड के अंदर कुछ बॉन्स होते हैं दैट आर ज्वाइंट टुगेदर जो साथ में ज्वाइंट होते हैं एट सम ज्वाइंट से किसी दूसरे ज्वाइंट से ज्वाइंट होते हैं द बॉन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट्स जो बॉन्स होता है वो मूव नहीं करता इस ज्वाइंट से सच ज्वाइंट्स आर कोल्ड फिक्स ज्वाइंट्स ये जो जॉइंट्स होते हैं फिक्स जॉइंट वो फिक्स होते हैं वैन वी ओपन योर माउथ वाइड वी कैन मूव आवर लोअर जो जब अपना मुंह आप चौड़ा करोगे ओपन करोगे तो आप मुंह करोगे आपका जो मूवमेंट्स होगा वो लोअर जो में होगा ठीक है क्योंकि वो हमारे हेड से अवे है ठीक है दूर है इसलिए वो लोअर जो मूवमेंट्स करेगा लेकिन अपर का जो होगा वो हमारे हेड से जॉइंट्स होगा ठीक है इसलिए वह अपर जो मूवमेंट नहीं करेगा कैन वी आल्सो मूव अवर अपर जो अवे फ्रॉम हेड दियर इज जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्सड ज्वाइंट ठीक है तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड ज्वाइंट था जिसे हमने देखा अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर आज के लिए इतना ही मैं आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर्स में फोर पॉइंट्स ज्वाइंट्स के देखे उसके पिक सेंड करूंगी आपको आपकी सी डब्ल्यू नोट्स में राइट डाउन कर लेना है ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी